वेलकम टू रारा लाइफस्टाइल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ होम डेकोर प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था। और इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं बस अभी अभी मार्केट से आई हूँ और इससे पहले वाली वीडियो आपने देख ली होगी, बड़े मंगल वाली। तो आप सभी को बड़े मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने होम डेकोर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ली हैं जो आपके भी काम आ सकती हैं। तो पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, मैंने कुछ चीज़ें शॉप से ली हैं, कुछ बिग बाज़ार से ली हैं, और दोनों ही जगह का मैं आपको एड्रेस दे दूँगी। कपूरथला मतलब लखनऊ में जो कपूरथला है, और कैमरे से थोड़ा सा दूर बैठी हूँ मैं, मुश्किल से 10 से 15 इंच दूर, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे आपको दिखानी है। तो सबसे पहले मैं शुरू कर लेती हूँ पिलो से। तो ये मैंने लिया है, दो पिलो लिए हैं मैंने, और ये मैंने शॉप से लिए हैं। ये कपूरथला पर, लखनऊ में जो कपूरथला है वहाँ पर यूनिवर्सल के नीचे एक शॉप है, और जस्ट सीढ़ियों से उतरते ही सामने वो शॉप है, और वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन तकिए वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो मैंने लिया है रेक्रॉन का ये तकिया, एंड यू कैन सी, ठीक है। और मैं आपको भी एक बात बता दूं कि वैसे तो इस तकिए की MRP 589 है, लेकिन ये 550 रुपीज़ का पड़ा, एंड दिस इज सो बिग एंड एक्सट्रीमली सॉफ्ट है, ये बहुत ज़्यादा स्क्वीशी है। और इसके मैंने ना दो ये पिलो लिए हैं, यू कैन सी, एंड इट्स ऑसम। और 550 की रेंज वाला जो ये रिलायंस का तकिया है, इट्स वंडरफुल। तो ये रिलायंस का है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ, एज यू कैन सी हियर, जी हाँ, ये रिलायंस का तकिया है, ठीक है। और मैं रिलायंस का ऐड नहीं कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड इसके अंदर प्रीमियम माइक्रो फाइबर है इस पिलो के अंदर। तो ये दोनों जो तकिए हैं मुझे वो 1100 रुपये के पड़े, एंड बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि इस वक्त तो आपको ये पैक दिख रहे हैं, उन्होंने मुझे एक ओपन पीस दिखाया था पॉलीथीन से बाहर निकाल करके। और दुकान पर जब भी आप जाएंगे वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से वेलकम किया जाएगा, मतलब आप जिस प्रोडक्ट को बोलेंगे, लाइक बेडशीट हो, क्विल्ट हो, कुछ भी हो, बहुत प्यार से दिखाएंगे आराम से, और आप वहाँ से ये चीज़ें ले सकते हैं। फिर मैंने वहाँ से ली बहुत ही खूबसूरत सी AC में यूज़ होने वाली क्विल्ट, एंड यू कैन सी दिस इज़ वेरी कोजी। और ये जो है बेला जियो से है, यू कैन सी दिस इज़ द पैकिंग, एंड ये एवरीडे के लिए ली है, क्योंकि जब रात में बहुत ठंड हो जाती है रूम में तो कुछ ना कुछ ऐसा लाइट और कोजी चाहिए जिसको कि हम यूज़ कर सके। और इससे पहली वाली जो क्विल्ट थी ना, वो हल्की सी डैमेज हो गई थी, तो मैंने फिर ये लिया, और वहाँ पर कॉटन में भी थी, बट आजकल कॉटन में इतनी अजीब क्वालिटी की क्विल्ट आने लगी है। एक तरफ तो प्रिंटेड फैब्रिक होता है और दूसरी तरफ वाइट वाइट सा बड़े ही अस्तर टाइप का कपड़ा होता है उसमें, तो वो मुझे पसंद नहीं था। प्लस इसका बैग भी इतना अच्छा है जितना कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, और इसको आप आराम से ट्रैवलिंग में कैरी कर सकते हो। हम कैरी कर पाएंगे जब हम ट्रैवलिंग में जाएंगे कहीं, क्योंकि हल्की फुल्की क्विल्ट जो है वो AC गाड़ी में भी चलता है, तो ज़रूर होनी चाहिए, कभी किसी को हल्की सर्दी लग जाती है तो उसके लिए। एंड क्योंकि मैं आपको दिखा दूं, एक सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ब्रांड के बारे में, एंड दिस इज़ सुपर सॉफ्ट ब्लैंकेट, लग्जरी क्वालिटी का है, और इसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है, दिस इज़ किंग साइज़, ये ना किंग साइज़ बेड पे आ जाएगा, तो इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है, और इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा ऑसम है, मतलब बोथ साइड वाला फैब्रिक है, मैं आपको दिखा पा रही हूँ आई थिंक ठीक से, बहुत ज़्यादा पतला, बहुत ज़्यादा कोजी, एंड इट्स ऑसम। तो मतलब इसको मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा ओपन करके दिखाऊंगी, सो आपको समझ आएगा। और वहाँ पर आपको ना इसमें बहुत सारे कलर मिलेंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका टैग यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। और इसका प्राइस आप पूछोगे तो इसका प्राइस है 2200 रुपीज़ इसका प्राइस है, जी हाँ 2200 रुपये का है, ये 2250 का है आई थिंक। सो दिस, क्योंकि उन्होंने 100 रुपीज़ शायद कम किए थे इस पर, तो ये 2250 का है, आप देख पा रहे हैं, इट्स अमेजिंग। और इसकी ओपन पिक्चर मैं ज़रूर से आपको इंस्टा पे अपलोड करके दूंगी, बेड पे लगा करके, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। और ये आप देख रहे हैं कितना एक्सट्रीमली कोजी है। तो ये तो रहा
सॉफ्ट ब्लैंकेट। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ प्रोडक्ट, एंड वो भी एक क्विल्ट है, वो भी मैंने उसी शॉप से ली, लेकिन वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। वो 2900 रुपीज़ की पड़ी है मुझे, या और इस पर कुछ ऑफ नहीं था, एंड इट्स वंडरफुल, क्योंकि अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप उनको ये दे सकते हो ओढ़ने के लिए, या फिर आप खुद अपने घर के इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। तो मैंने ये जो ली है ये पर्सनली अपने लिए ली है, या कभी सच विंटर्स में, या फिर कोई गेस्ट आता भी है तभी भी उनके लिए। और इसका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उस वाली क्विल्ट से भी बड़ा है जो मैंने अभी आपको दिखाई। दिस इज़ द पैकेट, यू कैन सी, और इसके फ्लोरल प्रिंट से ही आप समझ गए होंगे, एंड दिस इज़ फ्रॉम मेट्रोपोलिस। और चलिए अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ, और यहाँ पे साइज लिखा भी है, किंग साइज़ है ये, और डबल बेड के लिए है, सिंगल पीस है, यस, ये इसमें 1 रुपया कम है, 2900 रुपये में ही 2899 रुपये की है, और क्योंकि इसका पैकेट भी वंडरफुल है। बट इसका जो कपड़ा है ना वो पॉलिएस्टर सिल्क एंड कॉटन मिक्स है, और ये भी बोथ साइडेड है, बट इसको जब उन्होंने ओपन किया तो मतलब ये कमाल लग रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ, ये इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कहीं ना कहीं जो क्विल्ट होती है वो अगर अच्छी है, ये आप देख लीजिए, इस पे सिलाई है, और इस पे ना किनारी भी बहुत सुंदर है, येलो और रेड की है इस तरीके से, ठीक है। और इसका ये कोना आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, यू कैन सी, दिस इज़ ऑसम। और ये जो है वो आप एसी में यूज़ कर सकते हैं, वॉशेबल है, और इसके अंदर माइक्रोफाइबर है जो कि कभी ख़राब नहीं होता है, और इसकी सिलाई कभी नहीं निकलेगी, इसकी उन्होंने गारंटी ली थी कि ये कभी ख़राब नहीं होती है, और ये 10-10 साल से भी ज़्यादा चलती हैं। तो आप इसको अंदर का डिज़ाइन इसका आप देख पा रहे होंगे, वाइट है ना इसलिए थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, तो ये दूसरी तरफ का है, ये आप देख लीजिए इसके शेड्स, यस, नाउ यू कैन सी, ठीक है। तो ये है बहुत ही ऑसम क्विल्ट, और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ बेडशीट्स। और इस क्विल्ट का जो वजन था ना वो बहुत ज़्यादा हल्का था, मतलब बहुत ही हल्का था, आई थिंक ये आधा या 1.25 किलो की होगी बस। तो चलिए अगर मैं दिखाने वाली हूँ, दिस इज़ द बेडशीट, और ये मैंने ली हैं चारों बेडशीट बिग बाज़ार से। बिग बाज़ार में आज ऑफ़र चल रहा था, आई डोंट नो कब तक चलेगा या नहीं। तो ये जो पहली बेडशीट है ये है ड्रीम लाइन से, एंड इसका जो प्राइस है ये है 1499 रुपये। यू कैन सी द प्रिंट, इट्स जस्ट वाव, और इस तरीके का लुक आएगा इसका बेड पर, ठीक है। और ये मुझे 1499 की नहीं, ये मुझे 800 रुपीज़ की पड़ी है, जी हाँ, 800 रुपये की, एंड ऑलमोस्ट 40-50 इसी तरीके से ऑफ था इस पर, ये आप देखिए। और इसका जो फैब्रिक है ना वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, और इन सभी में पिलो कवर्स हैं डिफरेंट शेड के, उसी से कॉन्ट्रास्ट में, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगला जो बेडशीट है वो भी ड्रीम लाइन से है, ड्रीम लाइन 12, एंड ये जो डिज़ाइन है ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी है, सो बहुत ही फ्रेश लगेगा आपको, और 100% वर्जिन मटेरियल से बने हैं, 100% रिसाइक्लेबल मटेरियल है इसका, एंड इसके जो प्राइस है वो भी 1499 रुपये है। इसका प्रिंट आप देख सकते हैं, वाइट एंड फ्लोरल, और इस तरीके का लुक आएगा इसका बेडशीट पर, बेड पर, और इसके पिलो कवर ज़्यादा सुंदर हैं बेडशीट से। तो ये भी मुझे 800 रुपीज़ की पड़ी है ना। अगली भी ड्रीम लाइन से है, एक्चुअली ये चारों बेडशीट ड्रीम लाइन से ही हैं, क्योंकि बॉम्बे डाइंग की मैंने ली थी, फिर उसके बाद मैंने हटा दी थी, आई डोंट नो क्यों, बिलिंग में मैंने उसको हटा दिया था, शायद उसका शेड समझ नहीं आ रहा था। तो ये भी इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से इसका लुक आएगा, एंड दिस इज़ द फ्लोरल प्रिंट, और बहुत ही सुंदर सॉफ्ट लाइट कॉटन कपड़ा है इसका। 849 की ही है ये, और 849 की ही मिली थी मुझे, इस पर कुछ ऑफ नहीं था। अगली जो बेडशीट है ये बहुत खूबसूरत कलर है, एंड दिस इज समरी ग्रीन, यू कैन सी, दिस इज मॉडर्न बेडशीट, ये मॉडर्न हाउसेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप इसका कलर कंट्रास्ट यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो इसका जो प्राइस था वो है 1399, और ये मुझे पड़ी है 1000 रुपये की, यू कैन सी।
तो इसका लुक भी बहुत अच्छा है और एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, सुपीरियर फैब्रिक एंड इजी केयर है। इसको आप वॉश कर सकते हैं आराम से वॉशिंग मशीन में। और डबल बेड की है ये सारी, एंड ये किंग साइज़ बेड पे आराम से आती हैं। और ये आप देख रहे हैं इसके पिलो भी ऐसे ही है कुछ कुछ, और बेडशीट भी ऐसी है। एंड पिलो पे साइड में फ्लोरल डिज़ाइन है, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, लेस लगी है मतलब हल्की हल्की। और अब जो अगला मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सामान मैंने लिया है बिग बाज़ार से ही, और ये कुछ कपड़े हैं जो मैंने बिग बाज़ार से लिए। और आज पता है बिग बाज़ार में ऑफर चल रहा था, मैं आपको बता दूँ कि 2500 की परचेजिंग पे 1000 रुपये के कूपन मिल रहे थे, तो मुझे मिले हैं 2000 रुपये के कूपन, ठीक है। तो अगर हर महीने मैं 600 रुपये का कुछ खरीदती हूँ फैशन से, यानी कि कपड़े जूते से, तो मैं ले सकती हूँ 250 रुपीज़ ऑफ पे, ठीक है, 250 ऑफ हो जाएगा 600 रुपये पे। और यदि मैं हर महीने ये जो होम डेकोर से कुछ खरीदूंगी तो उस पे 250 रुपये कम हो जाएगा। जैसे कि मैं तौलिया लेने गई, अगर 500 की है तो मुझे 250 रुपये की ही तौलिया पड़ जाएगी वो। तो ये चार चार महीने में इस्तेमाल कर सकती हूँ होम डेकोर एंड इधर फैशन एंड अपेरल्स, जी हाँ। तो ये मुझे 2000 का बेनिफिट हो गया, हालांकि मेरा बिल बिग बाज़ार का ही 7000 का बना था। क्यों बना था? क्योंकि मैंने बिग बाज़ार से लिए हैं कुछ कपड़े, रैंडम जब मैं ये चीज़ें ले जाती हूँ एक दो चीज़ ऐसी दिख ही जाती है कि उसको लेने का मन कर जाता है, तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने लिया है वो ली है रातुल जी के लिए, एक शर्ट ली है, एक रैंडम शर्ट, एंड दिस इज़ द कलर, दिस इज़ द फैब्रिक। ये सॉफ्ट कॉटन लिनन का फैब्रिक है और ये बफेलो की शर्ट है। यू कैन सी बिग बाज़ार में तो बहुत सॉफ्ट और कॉटनी शर्ट्स का कलेक्शन बहुत रहता है, तो मैंने ये रैंडमली, ये कलर मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ये उनके लिए ले लिया। एंड ये है 1299 रुपीज़ की, यू कैन सी हियर, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल और आई थिंक ये उन पर बहुत अच्छी लगेगी। एक्चुअल कलर वही है जो आपको वीडियो में दिख रहा है। और अगला मैंने लिया घर में पहनने के लिए, क्योंकि मेरे पास इसमें के आई थिंक 6 कुर्ते ऑलरेडी हैं, 6 कलर है मेरे पास, बस ये कलर नहीं था, टैंजरिन, गाजरी और ऑरेंजिश शेड नहीं था, तो आज ट्यूसडे था तो मैंने ये शेड ले लिया। और ये कुर्ते, इस तरीके के कुर्ते घर में पहनती हूँ मैं, मुझे बहुत कंफर्टेबल होता है और बाहर भी पहन के चली जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आराम से बैठ करके वीडियो भी बना लेती हूँ। तो इस कुर्ते का जो प्राइस है वो मैं बता दूँ, ये है डेनिम जीन्स एंड कैजुअल्स की तरफ से 699 रुपीज़ का है। और अगला जो कपड़ा है वो लिया है मैंने एक स्कार्फ, बहुत ही खूबसूरत पिंक ब्लू स्कार्फ, एंड दिस स्कार्फ रिटेल्स 199, ये 199 रुपये का है, ऑलमोस्ट 200 का है। तो मैं आपको ओढ़ के दिखाती हूँ, गर्मियों में फ्लोरल स्कार्फ जो होते हैं वो बड़े सुंदर लगते हैं, इस तरीके से आप बाहर निकल सकते हो। जैसे कि मैं जाती हूँ धूप में, अगर कभी कहीं जाना होता है तो रैंडमली, बट फिर भी मैं हमेशा स्कार्फ कैरी करती हूँ मॉल हो या कोई जगह हो। और एक अगला स्कार्फ जो मैंने लिया है वो येलो, ब्लैक और वाइट में लिया है, क्रीम है एक्चुअली, ये वाइट नहीं है, एंड दिस इज़ ऑल्सो 199, बहुत ही सुंदर है ये। और ये जो पतले वाले लॉन्ग स्कार्फ होते हैं ना, इनको कैरी करना आसान होता है, वो जो चौकोर वाले होते हैं ना उनको तो बस आप गले में बोई बना सकते हो और कुछ नहीं कर सकते, बट इसको आप एज अ स्कार्फ, एज अ दुपट्टा, एंड बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वेज में इसको ओढ़ सकते हो, इट्स ऑसम। तो चलिए अगला मैं दिखाने वाली हूँ क्या है, एंड यस दिस इज अगेन अ स्कार्फ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये शेड ना मैं हमेशा कुर्ती में लेना चाहती थी, बट ये मुझे आज रैंडमली बिग बाज़ार में अ स्कार्फ दिख गया, एक पिंक किनारी है और ब्लू कलर का स्कार्फ है, आप ये देख लीजिए, और समर्स में ब्लू तो बड़ा ही सही लगता है। ये भी दोस्तों शायला की तरफ से है एंड इसका प्राइस भी है 199, और इसे भी मैं ओढ़ के दिखा देती हूँ, इट्स वेरी नाइस, मंदिर वंदिर जाने के लिए बड़ा अच्छा है, ठीक है। और अगला जो है ये मेरी मोस्ट फेवरेट है, और ये मुझे बाबू ने दिलाई है, आई मीन रातुल जी ने दिलाई है, और ये मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट है एक तरीके से, आप देख सकते हैं, दिस इज़ द कुर्ती, ये है रिच ब्लू कलर, बहुत ही सुंदर है ये समर्स के लिए, बहुत, अगर आप पास से देख पा रहे हो तो बहुत कोजी है इसका कपड़ा। पता है इसमें खास चीज़ क्या है, ये एक फ्रॉक कुर्ती है, एंड आप इसका ये देखिए, ये जो डिज़ाइन है ना आपको दिखने में लग रहा होगा बड़ा ही डल डल सा, लेकिन जब मैं इसे डार्क ब्लू कलर की जीन्स पे पहनूंगी तो ये बड़ा सुंदर लगेगा। और मैंने इसको वहाँ पे लगा के भी देखा था, इसमें केवल एक बटन है जो बड़ा सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो इसको पहन के मैं किसी दिन
पिक्चर अपलोड करूँगी इंस्टा पे। तो ये तो सारी चीज़ें थी और ये है उसका बिग बाज़ार का बैग। तो दोस्तों ये है कंप्लीट हॉल और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये होम डेकोर एंड जो क्लॉथिंग का बिग बाज़ार का शॉपिंग हॉल है ये पसंद आया है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर आप बिग बाज़ार से शॉपिंग करेंगे तो आई थिंक आपकी बचत होगी, बचत होती है, दैट्स ट्रू। अगर आप यू नो कभी कभी रैंडमली भी बिग बाज़ार जाना चाहिए, जैसे कि मैं गई आज तो मुझे तो यू नो 2000 रुपये के तो कूपन ही मिल गए, और इन पे बेडशीट्स पे मुझे डायरेक्ट फ्लैट 50% ऑफ मिला कम से कम, तो मेरा तो बेनिफिट हो गया। और ये जो चीज़ें मैंने शॉप से ली थी उस पे मुझे कुछ रुपए ऑफ हुए थे, लाइक 200 या 150 रुपए ऑफ हुए थे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड मेरे चैनल पर मिनीसो हॉल देखना मत भूलिएगा, रारा चैनल पर। थैंक यू सो मच दोस्तों, और वीलॉग में इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, एंड मुझे उम्मीद नहीं थी बट इट्स अमेजिंग। थैंक यू।